एक्सीडेंट हो गया यार यहाँ पे। चलो दिखाई देता हूँ आप लोगों को, ये देखो यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। साइड में रोकूं क्या मैं? ये देखो भाई उसकी तो ऑटो तो औरत है, पहले दिखाई देता हूँ यार। बच्चे हैं क्या हो गया भाई? देखो यार एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है चलो, बट बहुत बुरा चीज़ हुआ है। क्या चीज़ बताऊँ? बहुत गलत चीज़ कर दी है औरत। शराब पी के बम है, ठीक होश में नहीं है, क्या कर रही है? उसके तीन बच्चे हैं छोटे छोटे, है ना मन? आप लोग को ब्लॉग में पता चल गया होगा यार। बेचारी देखो यहाँ पे तो ये बहुत, ये क्या कर रहे हो यार? ऐसे मत करो भाई, ऐसे मत करो यार, बच्चे लोग का तो ख्याल रखा करो। एक लोग उल्टा पुल्टा हो गया ना, बहुत छोटे छोटे, मेरे को तो एकदम दया अर्थ गाइस। क्या कर सकते हैं, उसके पापा भी नहीं हैं और तीन बच्चे उसके वहीं पे हैं और औरत शराब पी के लेटी हुई है। बताओ भाई रहा है कैसा कैसा जमाना आ रहा है, है ना अमन? गुड मॉर्निंग जी हमारी सभी प्यारी पब्लिक को। गाइस एक बारी हम आज जा रहे हैं सूरजपुर में, एक छोटा सा काम है तो मैं भी जा रहा हूँ फिलहाल कार लेने, ठीक है? और अमन को भी ले आऊँगा साथ में, वही चलते हैं पुराने घर में कार लेके आते हैं फिलहाल। गाइस अब कार निकाल रहे हैं से भाई, ईट हटा दे अमन, ईट हटा दे यार। काफ़ी दिनों के बाद हमारा छोटा कार से मुलाकात हुआ है ना यार। चाबी लगा हुआ है इलेक्ट्रिक पे, आ जा अच्छा है तो उसमें, इसको लेके आ जा भाई, नए घर में रख देंगे, गाड़ी लेके आ जा। मैं कार से जा रहा हूँ भाई, धूप देख रहे हो धूप, इसीलिए जा रहे हैं कार से, वरना तो इलेक्ट्रिक में ही जाते यार हम लोग। धूप से वैसे हम लोग को कोई लेना देना नहीं रहता है, धूप से भी जा सकते हैं, बट आज सोचे कि कार से चलते हैं। गाइस गाइस मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं क्या लिया भाई सोनार दुकान से, ठीक है? क्या लिया गैस करो तुम लोग, दिखाई देता हूँ तुम लोग को। अरे यार स्टेयरिंग छोड़ना पड़ रहा है, ये रहा गाइस देख लो, ये कितने का अमाउंट भाई बता दो यार को? 16,000 16,000 का है भाई, 16,000 पैसा फूक दिया आज इसमें, देख लो अच्छा लग रहा है ना? कोई नहीं गाइस अब इसको पहन ही लेता हूँ, अब निकाल दियो तो। अभी हम लोग जा रहे हैं एक बार कुछ खा लें, उसके बाद घर निकलेंगे, काम तो अपना हो गया। तेरे को कुछ काम है अमन? नहीं मूवी देखने जाएगा आदि पुरुष, जाएगा आएंगे कल। आज छोड़ो भाई आज धूप भी है, ये मूवी तो शो भी चल रहा होगा ना। चलो हमने देख कल देखाएंगे, अरे कल देखने आएंगे, ब्रेकर आ जाता है रात पर भाई। श्याम मंदिर देख लो सूरजपुर के, श्याम मंदिर हमारे यहाँ भी श्याम मंदिर है सूरजपुर में भाई। गर्मी से ना हालत परेशान है, हालत ख़राब एकदम गाइस, क्या ही बोलो। थोड़े से बड़ा लग रहा है पर बोला कि ठीक हो जाएगा, देखो अच्छा दिख रहा है ना भात, अच्छा है ना मन? नहीं है अच्छा। वो तो गाइस थोड़ा दुकान से लेना देना है इसलिए मेरे को थोड़ा सा सस्ता पड़ा, वरना दूसरे को तो 20,000 भी नहीं देता गाइस, समझ रहे हो ना भाई? यहाँ कुछ है क्या यार, आज बहुत भीड़ लग रहा है। मंदिर उंदिर में कुछ कथा है क्या? गाइस अभी हम लोग यहीं पहुंच चुके हैं बस स्टैंड के पास, पुराना बस स्टैंड के पास आते एक जगह से गन्ना का रस पिएगा अमन, गन्ना का ही रस, हाँ वही करेंगे भाई, बाकी तो दूसरा कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है यार। जिसके पास बर्फ होगा ना उसी के पास पियेंगे, ठीक है? फोन रख हमने दिखा, चेक हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं हो रहा है, इधर चल रहा है। चलो आते हैं घूम के आते हैं, कोतवाली थाना दिखा दे सूरजपुर का, कोर्ट दिखा दो पब्लिक को, कोर्ट का भीड़ दिखा दो, धूप दिखाऊंगा इस सबको, धूप बहुत ज्यादा धूप है यार, कितने लोग परेशान हैं। भीड़ तो वैसे कम है आज, धूप के ही चलते भीड़ कम होगा, बाकी यार मूवी देखने कल आएंगे, यहीं आएंगे सूरजपुर में ही, अपना तो यही कराता है। एक जगह और एक छोटा सा काम है वो निपटा लेता हूँ मैं जल्दी से, कार वाला कार हटा दे भाई, ठुका दे, हटा दे,
डाले दोस्त। थार देखो गाइस, थार ये देख लो, थार है हमारे सामने। बीच रोड पे गाड़ी खड़ा कर दिए, अमन गए अभी पान के दुकान पे मीठा सुपारी लेने। है अमन? अच्छा है, चलो मिल जा रहा गाइस। चलते हैं यहाँ से, अब गन्ना का रस देंगे गाइस, उसके बाद घर निकलेंगे क्योंकि धूप बहुत है यार, बहुत ज़्यादा धूप है यार। हालत ख़राब है, चाहे कार में रहो चाहे कोई भी चीज़ में रहो, हालत ख़राब हो जा रहा है भाई धूप में। इस बार हम लोग आए हैं गन्ना का रस पीने के लिए। अमन पिएगा? दो गिलास दीजिए भैया, जल्दी पीछे करूँ। मेरा कार खा दे रहा था गन्ना का पेपर में, है ना? कोई नहीं यार, गन्ना था भाई, क्या ही बोल सकते हैं भैया। भाई गन्ना का रस पीने भाई, उसके बाद निकलेंगे। मैं क्यों तेरे को कहीं जाना है बता, ले जाएगा घूमने यार, नहाने के लिए घूमने के लिए। हाँ कोई मतलब नहीं, घर में जाके बोलती नहाएंगे शाम को, एक बार फिर जाते आराम करेंगे। गन्ने का रस आ गया, इसको भी ले लिया भाई, अब भी लग पा रही है। गन्ना का रस पी के हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, तो भाई चलते हैं घर। कि आपको टॉकीज का माहौल दिखा दूँ क्या, सिनेमा हॉल का? ये लो भाई पूरा देखो, शो फुल चल रहा है। ये देखो आदि पुरुष का बैनर, और भीड़ पूरा लग गया भाई। एक आध भी सीट खाली नहीं होगा ना मन, हम लोग देख भी लेते। आते आते शाम हो गई हम लोग को, एक जगह और हम लोग रुक गए थे। ठीक है गाइस, चलते हम लोग घर। और गाइस मैं अपने घर आ गया हूँ, यहाँ देखो बैठके में हमारे दोनों छोटे भाई, हमारे चाचा जी, और पीछे हमारे दोनों गाड़ी हैं, ये लोग भी सुन रहे हैं पीछे पीछे। ठीक है गाइस, इस ब्लॉग वीडियो करते हैं फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।